Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study a polycrest remedy, that is sulfur. तो सल्फर ऐसी रेमेडी है जो कि है ना दिन में हम लोग 5-6 बार तो 5-6 पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं. बहुत ज्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब रेमेडी होती है सल्फर. ठीक है, तो सल्फर किस चीज के लिए हम लोग देते हैं, क्यों देते हैं, कब देते हैं, सो है ना विल अंडरस्टैंड दिस. सो पहले तो स्टार्ट हम लोग पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज कैसे करेंगे, तो पहले हम उसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे जिसमें कि आएगा कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली या फिर फॉर्मूला, जो भी है. मिनरल्स होंगे तो फॉर्मूलाज आएंगे, फैमिलीज आएंगी प्लांट्स एनिमल्स की, तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे. देन हम लोग देखेंगे इसका क्लिनिकल यूजेस कहाँ पे होते हैं. देन विल सी द स्पीयर ऑफ एक्शन. देन पैथोजेनेसिस हम लोग देखेंगे, कंस्टिट्यूशन देखेंगे, फिर आएंगे हम लोग उसके मेंटल्स पे. तो हम लोग धीरे धीरे ये रेमेडी को स्टार्ट करते. तो स्टार्ट करते समय हम लोग पहले तो देखेंगे इसका कॉमन नेम. सो कॉमन नेम क्या है, तो फ्लावर ऑफ सल्फर या फिर ब्राइन स्टोन. ठीक है, सो दिस इज द कॉमन नेम. इफ एमसीक्यूज में ये दोनों आते हैं देन यू शुड बी नोइंग कि है ना ये सल्फर के ही कॉमन नेम से. सो है ना ऐसे ट्रिक यूज करते हैं AIPGET के लिए या फिर नॉर्मली आपके एग्जाम के एमसीक्यूज के लिए भी ये ट्रिक यूज करते हैं. ठीक है, प्रूवर इज अवर डॉक्टर हैनमैन. ओके, नाउ एस एन एलिमेंट इट्स अ फॉर्मूला. एस एन एलिमेंट इट्स अ एस फॉर सल्फर. ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी. यू शुड बी नोइंग, यू शुड बी स्टडिंग दिस रेमेडी फ्रॉम वेरियस डिफरेंट बुक्स, एज मेनी एज यू कैन, लाइक एवरीथिंग पॉसिबल बुक्स यू शुड बी रीडिंग इट फ्रॉम, राइट. सो एज आई टोल्ड यू कि ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है एंड इट इज अ किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी. ठीक है, नाउ लेट्स सी क्लिनिकली इट इज गिवन फॉर वॉट. सो क्लिनिकली इट इज गिवन फॉर सो मेनी थिंग्स, सो आई जस्ट रीड आउट फॉर यू गाइज. तो एक्ने, एनिमिया, अस्थमा, बिलियसनेस, बॉयल्स, ब्रेन कंप्लेन्ट्स, फिर कटार, कॉफ, डायरिया, डिसेंट्री, आई अफेक्शन, एक्जिमा, इमेसिएशन, एन्यूरेसिस, एपिलेप्सी, फॉर एवरीथिंग, लाइक इफ यू कैन सी. बट मोर ओवरली इट इज गिवन फॉर रूमैटिक कंप्लेन्ट्स, देन स्किन अफेक्शन, थ्रोट एंड लंग अफेक्शन, फिर वर्टिगो, वर्म्स के लिए भी दी जाती है, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स के लिए भी दी जाती है, बहुत सारी चीजों के लिए दी जाती है. ठीक है, सो दिस रेमेडी इज क्लिनिकली गिवन फॉर दीज मेनी थिंग्स. इफ यू वॉन्ट देन यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, स्टॉप, रीड एंड देन गो अहेड. राइट, नाउ लेट्स सी द स्पीयर ऑफ एक्शन. स्पीयर ऑफ एक्शन इज सेंट्रीफ्यूगल फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स. सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, दिस टू टाइप्स फोर्सेस वी नो. सेंट्रीपिटल इज वॉट, तो पेरीफेरी से लेके सेंटर तक, इट इज सेंट्रीपिटल. हाँ, सेंट्रीफ्यूगल इज क्या, तो सेंटर से लेके पेरीफेरी तक. तो ये कैसी है, तो सेंट्रीफ्यूगल है. सो सेंटर से लेके पेरीफेरी में जाने वाला डिसीज है. ठीक है, सॉरी उसका एक्शन है. हाँ, इट इज द ग्रेट एफिनिटी टू द स्किन. नो रेमेडी हैज मोर जनरल पॉजिटिव एंड परसिस्टेंस एक्शन अपॉन द स्किन दैन सल्फर. एनी कंप्लेन्ट्स, लाइक एनी कंप्लेन्ट्स, जब भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में रहती हूँ देन मुझे कुछ अगर पेशेंट्स आते हैं एंड इफ दे आर लाइक टेलिंग मी कि ना बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है एंड ये सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर प्लीज प्रिस्क्राइब मी समथिंग अपॉइंटमेंट मिलने तक. मेरे मोस्टली पेशेंट्स है ना ऑनलाइन रहते हैं, सो अपॉइंटमेंट जब तक मैं ऑफलाइन नहीं बुलाती हूँ तब तक वो नहीं आते. तो ऑनलाइन के लिए उनको रिलीफ के लिए क्या दूँ, तो मैं ना डायरेक्टली अगर कुछ रहता है अवेलेबल वो साइड में, या फिर मैंने उनको इमरजेंसी किट दिया, उस इमरजेंसी किट में मेरे पास सल्फर और ग्रेफाइटिस होता ही होता है या फिर पेट्रोलियम होता ही होता है. ठीक है, ये तीनों तो रहते ही है स्किन के लिए, तो मैं ना उनको सल्फर देती हूँ, क्विक रिलीफ एंड लेस यू नो एफर्ट्स. तो ये ऐसी रेमेडी है जो स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रेमेडी है. ठीक है, इट एक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, देन वेनस कैपिलरी सिस्टम एंड देन म्यूकस मेम्ब्रेन्स, फिर आईज पे, ब्रोंकाई के, फिर यूरेट्रा के और रेक्टम के, सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे ये एक्ट करेगी. मतलब मोर ओवरली हम लोग कैपिलरी सिस्टम, वेनस कैपिलरी सिस्टम पे, स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन के लेयर पे, फिर पोर्टल सिस्टम में भी ये एक्ट करेगी.
ओके सो पैथोजेनेसिस देखते हैं, वेनस प्लेथोरा, हाँ, फिर पोर्टल स्टेसिस मैनिफेस्टिंग एज रेडनेस एंड म्यूकोक्यूटानियस जंक्शन लाइक नॉस्ट्रल लिप्स एंड एनस. सो बहुत ज्यादा एंगॉर्जिंग टाइप ऑफ स्किन दिखने लगती है वहां पे, तो हम लोग सल्फर दे सकते हैं वहां पे. थोड़ा भी इचिंग अगर एनल रीजन पे किसी किसी को है ना वर्म इन्फेस्टेशन के बाद में इचिंग वगैरह रहता है तो आफ्टर केस टेकिंग इट द रेमेडीज विल बी चेंज. बट अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है और है ना स्टूल पास होने के बाद भी जलन सी हो रही है ना, यू कैन गिव सल्फर एंड यू कैन सी द रिजल्ट विद इन फ्यू आवर्स ओनली. ठीक है, तो है ना दिस इज द सल्फर रेमेडी. नाउ हम लोग इसके माइंड देखेंगे या फिर मेंटल्स को देखेंगे. आई एम रनिंग बिकॉज की है ना ये रेमेडी बहुत ज्यादा लंबी है एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन टू द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट. सो आई विल बी टीचिंग यू माइंड्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. रेज्ड फिलोसोफर, इवन रेज सीम्स ब्यूटिफुल वेन द पेशेंट टेक्स अ फैंसी फॉर इट. What is raged philosopher is बहुत ही ज्यादा मतलब नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए था, ये ऐसे ही करना चाहिए था, और बहुत ज्यादा extremes का गुस्सा फिर नफरत सी होने लगती है दूसरों से. That is very raged philosopher. Like अगर इसने मुझे एक थप्पड़ मारी है then I have to hit him badly. उसका खून निकलना चाहिए तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा. इसको कुछ तो मुझे करना ही है तब तक इसको मुझे अच्छा नहीं लगेगा. इसका मुझे इतना बुरा करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत ज्यादा रिवेंज टाइप के एंड ऐसे बहुत हार्शली दूसरों का कदर नहीं करते. ये लोग बहुत ज्यादा हार्श रहते, खुद पे नहीं रहते लेकिन दूसरों पे बहुत ज्यादा हार्श रहते. इनह्यूमनिस्ट बिहेवियर भी रहता है इनका. ठीक है, मतलब इवन रेज ब्यूटिफुल वेन द पेशेंट टेक्स इट फैंसी. एवरीथिंग सीम्स फुल ऑफ ब्यूटी. लाइक उनको है ना मतलब वो अगर कुछ करते हैं ना तो वो बताएंगे यार उसने मुझे एक थप्पड़ मारा था, क्या उसकी हिम्मत नहीं है मुझे हाथ लगाने की, मैंने उसको जाके चार थप्पड़ लगाए, मैंने उसको लाठी से मारा, मैंने उसको लात से मारा, जो भी ऐसे किया वैसे किया ये सब कुछ. दैट इज यू नो दे विल मेक अ वेरी फैंसीली एंड दे विल टेल यू लाइक मैंने ये किया वो किया, आई हैव डन दिस आई हैव डन दैट, एवरीथिंग दे विल बी टेलिंग यू इन अ वेरी फैंसी वे, इन अ स्टोरी टेलिंग वे. बहुत क्रिएटिवली वो आपको बताएंगे कि मैंने ऐसे गुस्सा निकाला वैसे गुस्सा निकाला ये किया वो किया. दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज अ सल्फर पर्सनैलिटी. ठीक है, एवरीथिंग सीम्स फुल ऑफ ब्यूटी. ही ड्रेसेस हिमसेल्फ इन द मोस्ट फ्लिटी रेज बट कंसिडर्स देम टू बी द मोस्ट एलिगेंट ऑफ. बहुत ही घटिया किस्म का इनका ड्रेसिंग सेंस होता है. लाइक पिंक के ऊपर रेड पहनेंगे, ऑरेंज के ऊपर कुछ भी ऐसे डार्क पर्पल पहनेंगे, कुछ भी ऐसे गंदा सा उनका ना कलर कॉम्बिनेशन करके वो पहनेंगे और उनको खुद से लगेगा नहीं आई एम द मोस्ट प्रिटीएस्ट पर्सन एंड आई एम स्लेइंग इन दिस क्लासरूम या फिर अराउंड दिस या फिर एक बॉक्स में. अगर उनको एक रूम में छोड़ दिया उसमें 400-500 बंदे होंगे देन शी विल और ही विल थिंक कि यू नो ही इज और शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉरी एलिगेंट एंड नाइस पर्सनैलिटी. पर वैसे वो होते नहीं है, वो बहुत ज्यादा गंदा ड्रेसअप करते और उनके ना बॉडी से थोड़ा सा स्मेल भी आता है और वो गंदे किस्म का स्मेल आता है और उनको पसीने का भी ऑफेंसिवनेस रहता है. सो उनको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं लेकिन वैसे होता नहीं है, वो बिल्कुल भी बिल्कुल अपोजिट रहता है. ठीक है, फिर भी दे विल कंसिडर देमसेल्फ टू बी द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया या फिर रूम. द पेशेंट वेयर्स अ पेपर क्राउन thinking he is his majesty the king. So how they will think, like if I am there in a room or I am in a meeting or mere kuch colleagues baithe hain wahan pe and they are also in a meeting like important meeting ka discussion ho raha hai then I will be the sulfur patient. theek hai, main khud ko sulfur consider karti hu and main bolungi nahi yahi sahi hai jo main bol rahi hu yahi karte hain hum log yahi hona chahiye because I know everything I have that knowledge so hame ye karna hai and we are going to go by my plan.
you should be not giving any kind of opinions or something, because I know I have this much experiences and I'll be going to, you know, get this thing, yeah, for do these things. So this kind of behavior, this kind of mindset is like ki main hi, mujhe hi ye position milni chahiye, mera hi idea select hona chahiye, main hi is company ki CEO honi chahiye, main hi best doctor ka award jeetne wali hu, main hi kuch best karne wali. So this is the my kind of behavior, the mindness, then me-ness in some people's. Then they will be keeping सबसे ऊपर रखेंगे खुद को और बाकी सबको inferiorly treat करेंगे, like ए चल तुझे नहीं, ए चल तेरा अच्छा नहीं है ड्रेस, चल तेरा मुंह भी अच्छा नहीं है, चल तेरा फेस भी अच्छा नहीं, ओ कितना गंदा गंदा पिंपल आ गया तेरे फेस पे, ओ कितने गंदे बाल हो गए, कितने गंदा कपड़े हो गए, दैट काइंड ऑफ थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू कि ऐसे बोलते. So this is the sulfur. और platina का कैसे differentiate करोगे, तो platina will not say anything, but platina will behave and stand out or pop out very elegantly out of so many people's. ठीक है, she will be like, इस chair पे बहुत ज्यादा dirt है, I don't sit on this chair, I am not going to come. This kind of behavior is a platina behavior. ठीक है, बट सल्फर वाले बैठेंगे उस पर, वो गंदा भी रहेगा ना फिर भी बैठेंगे, एंड दे विल सिट इन अ वेरी गुड मैनर, जिसे और वो उनको गुड मैनर लगेगा लेकिन देखने वाले को वो अच्छा नहीं लगेगा. राइट, देन देयर इज ग्रेट वीकनेस ऑफ द मेमोरी, कैनॉट फाइंड प्रॉपर वर्ड ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, देयर विल बी वीकनेस ऑफ द मेमोरी. ठीक है, थोड़ा है ना वो भूल लेंगे, मतलब सेंटेंस में अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो हम लोग कैसे बोलते, रुक आई विल टेल यू, दे विल बी लाइक स्किप दोज वर्ड्स. सो दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, हाँ, ही इज वेरी सेल्फिश, एज आई टोल्ड यू दे आर वेरी वेरी सेल्फिश एंड हैज नो रिगार्ड्स फॉर अदर्स, कुछ भी उनको लेना देना नहीं रहता है दूसरों से. ठीक है, सल्फर इन इनडिफरेंट एंड डिस इनक्लाइन टू वर्क ऑफ एनी एंड एवरी डिस्क्रिप्शन, नथिंग अपील्स टू हिम, वर्क प्लेजर talking, exercise, etc. afford him no enjoyment. There is a feeling of movement in abdomen as a child. Okay, चलो कैसा रहता है कि है ना कुछ भी कर लो, अगर सामने वाला अगर टीचर सल्फर होगा तेरा, हाँ किसी का भी, आप सर किसी का भी, अगर सामने वाला पर्सन अगर सल्फर प्रोफेसर रहेगा या फिर टीचर रहेगा ना, देन यू आर लाइक यू कांट प्लीज देम, यू आर लाइक डेड. अगर आप उसका प्रेज करते हो कि यार सर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आपका शूज बहुत अच्छे, आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, आपका ना परफ्यूम का स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, ये सब कुछ अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट करोगे, दे विल बी लाइक उड़ेंगे, हाँ लिटरली वो उड़ेंगे हवे में कि है ना, हाँ भाई मैं तो ऐसे हूँ वैसे हूँ, ये सब कुछ बातें मारेंगे. लेकिन कैसे रहता है कि है ना, जब आप बताओगे उनको कि है ना ये अच्छा है वो अच्छा है, अगर आप बताओगे नहीं और अगर आपने कुछ गलती कर दी, दे विल पिक यू एंड दे विल कीप यू इन देयर माइंड कि हाँ ये बंदा तो ऐसे ही है, इसको मैं ऐसे ही करूंगा, देन दे विल नॉट ट्रीट यू गुड टिल लास्ट. ठीक है, आपका पूरा साल बर्बाद कर देंगे वो लोग, फेल भी कर सकते हैं आपको, इतना उनमें गुस्सा रहता है, इतना उनमें रेज रहता है दूसरों के लिए. ठीक है, यू कैंट प्लीज देम विथ एनीथिंग. देयर इज अ फीलिंग ऑफ मूवमेंट इन द एब्डोमेन एज अ चाइल्ड, मतलब लड़कियों को या फिर लड़कों को ना ब्लॉटिंग सेंसेशन रहता है और ऐसे लगता है कि कुछ तो घूम रहा है पेट में. ठीक है, हैप्पी ड्रीम्स वेक हिम अप सिंगिंग एट नाइट. आई हैव अ वन फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज सो हैप्पी एंड शी इज लाइक वेयरिंग एनी काइंड ऑफ यू नो कॉम्बिनेशंस, लाइक शी कीप्स हर हेयर ओपन on jeans and wearing high heels and something, and she is just behaving as if she is the only one and she is the most, you know, prettiest woman. But as we can see, there is some differences seen in their behavior and their actual personality. Okay, so as I was telling you about my friend, so wo वैसे ही किस्म की वो बंदी है, like कुछ भी हो जाए शील जस्ट कीप हरसेल्फ इन अ होल्ड पोजीशन एंड शील बी लाइक कि हाँ आई कैन डू इट एंड आई नो कि शी कांट बट शील बी शोइंग कि हाँ शील डू एंड आई नो कि वो उसका नेचर है बट फिर भी शील कीप ऑन लाइक
उसे बिहेव करेगी लाइक शी विल कीप ऑन स्टैंडिंग आउट ऑफ सो मेनी पीपल्स. सो दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज अ सल्फर पर्सनैलिटी. आई वॉज ऑल्सो नॉट नोइंग कि ये काइंड ऑफ पर्सनैलिटी सल्फर पर्सनैलिटी है, बट मेरे एक सीनियर ने बोला कि है ना, यू हैव अ वन फ्रेंड एंड स्टडी हर एंड सी यू विल कम टू नो कि वॉट एग्जैक्टली द सल्फर पेशेंट इज और वॉट एग्जैक्टली द सल्फर माइंड सेट इज या फिर बिहेवियर इज. So he is of a nervous temperament and hypochondrial in nature. Then elements from is alcohol, suppression of skin diseases, sun heat or overexertion. So these are the elements from, right? And well, ऐसे नहीं होता, उनको alcohol बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, लेकिन alcohol से उनको तकलीफ होती है, तो sulfur is the remedy. Then let's see the sulfur का skin, okay? So let's see the generalities या फिर general modalities of sulfur. Aggravated by standing at rest, warmth of bed, washing, bathing, from alcoholic stimulants and from changeable weathers. If there is any kind of stimulant, like alcohol stimulant ले लो, cigarette smoking ले लो, tobacco, drugs, any kind of stimulus, there will be some kind of sort of skin infections will be present. Nail bed infection is very common in the sulfur patients. If there is a nail bed infection which is, you know, turned to be the black, then it is a sulfur patient. I mean, no, you should not giving the remedy, you should not prescribing the remedy on a very quick or a short symptom notes या फिर key notes, but you should be knowing or you should be taking whole case, removing the totality and then only you should be prescribing. और ऐसे भी कर सकते हो, सल्फर का स्टैट डोज दे सकते हो, यू शुड बी कीप ऑन मतलब वॉच करने के लिए रख सकते हो एसएल पे 7-15 दिन एंड देन आप सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो अगर उनको थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिलता है तो. लेकिन फॉलो अप इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? देन एमेलोरेशन इज बाय ड्राई वार्म वेदर एंड बाय लाइंग ऑन अ राइट साइड. सो दिस वॉज द मोडालिटीज, aggravating and ameliorating modalities of sulfur. And as I told you, sulfur में बहुत ज्यादा skin का problems रहता है, तो skin का क्या problem रहता है, itching and burning is more commonly seen in sulfur. तो sulfur is a trio of burning या फिर burners trio भी बोलते हैं इसको. Sulfur is in the lead, ठीक है? तो sulfur, arsenic and phosphorus, this three remedies are the burners trios. So this was it, this was sulfur, and I hope you understand this remedy, and I hope you will get some of this remedy, ka gem of this remedy, or genic of this remedy, and it is helpful for you guys. If do, then do consider subscribing to my channel, and till then, bye, take care, thank you.